नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है लखनऊ से, विधानसभा चुनाव आते ही पार्टियों का तैयारियां तेज हो गई। पार्टी को प्रियंका गांधी ने भी बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका ने ट्वीट कर महिलाओं के लिए ऐलान किया है, कांग्रेस की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान किया है, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त की गई है, महिलाओं के लिए खास तौर पर यहाँ पर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव आते ही पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा महिलाओं के लिए ऐलान किया गया है, ये कांग्रेस की सरकार बनने पर सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त रहेगी। तो ये बड़े बड़े वादे जो है चुनाव से पहले जो नेता करते हैं वही यहाँ पर दिखाई दिया है। जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये ऐलान किया है, महिलाओं के लिए ऐलान किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, प्रियंका गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया, खास तौर से ये ऐलान महिलाओं के लिए ही है, लेकिन वही बात के चुनाव आते आते जो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, ऐलान करते हैं, एक बार फिर रिझाने की कोशिश की गई यहाँ पर महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान प्रियंका गांधी ने किया है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जैसे ही चुनाव आता है बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ा बड़ा ऐलान करती हैं। प्रियंका गांधी काफी सक्रिय हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में बनी हुई हैं। कल गोरखपुर में उनकी जनसभा थी, इससे पहले बनारस में थी और लगातार जनता के बीच जा रही हूँ। महिलाओं में ज्यादा प्रेम दिखा रही हूँ, महिलाओं के लिए ज्यादा नजदीकियां बना रही। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने टिकट में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी की बात कही थी और उसके साथ मैं उन्होंने कहा था कि महिलाओं को स्मार्टफोन साथ छात्राओं को दूंगी, स्कूटी देंगी अगर उनकी सरकार बनती है। आज एक नया ऐलान प्रियंका गांधी ने किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सालाना 3 भरे हुए सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है, सभी पार्टी जोरों से ताल ठोक रही है, वही कांग्रेस भी पीछे हटना नहीं चाहती है। जो भी योजनाएं हैं वो जनता के बीच लाना चाहती है और जनता से जो वादा कर रही है उसको पूरा करने के लिए भी कांग्रेस कह रही है। जी शाहिद, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट के माध्यम से एक बड़ा ऐलान खासतौर से महिलाओं के लिए यहां पर किया गया है। जो वादे चुनावी घोषणाएं की जाती हैं यहां पर वही नजर आ रही है। ठीक चुनाव से पहले महिलाओं के लिए 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात यहां पर प्रियंका गांधी ने की है और साथ ही जो सरकारी बसें उसमें महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की बात भी प्रियंका गांधी ने कही है।